वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर लालसूट के अंदर आज कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई लगातार महंगाई को लेकर के आज साइकिल रैली के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, और साथ ही साथ उसके अंतर्गत ऊंट के द्वारा रैली भी निकाली गई है, और ऊंट वहां पे आकर्षण का केंद्र बनता हुआ साफ साफ नजर आया है, क्योंकि आज से पहले हाथी घोड़ा वगैरह सब चीजें देखी गई थी, लेकिन ऊंट के द्वारा रैली आज पहली बार देखने को मिली है। महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाल करके कांग्रेसियों के द्वारा केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों का महंगाई के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। कृषि उपज मंडी गेट से बस स्टैंड तक साइकिल और आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पट्टी लेकर के केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं रामगढ़ पचवारा मुख्यालय के बालाजी गार्डन से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की है। साथ ही रेगिस्तान के जहाज ऊंट को भी रैली में शामिल किया गया। ऊंट गाड़ी पर सवार होकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान का ऊंट आक्रोश रैली के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। उद्योग मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से किसान व आम उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहे हैं। इसका लालसूट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके पुरजोर विरोध भी किया। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में वृद्धि लगातार हो रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है, और महंगाई के विरोध में राजस्थान में जगह जगह कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश रैली के दौरान लालसोट ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश राणा, लालसोट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचौरा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरे कंपनी वालों को छूट दे दी, मर्जी आए जो पैसा बढ़ाओ, मर्जी आए जो बेचो, देश की जनता मजबूर है, अपने आप डीजल पेट्रोल देश खरीदेगी। इस तरह का शासन देश में असहनीय है। हम कहते हैं मोदी जी देखो 100 रुपये का डीजल करके किसान क्या खेती करेगा, मजदूर क्या मजदूरी करेगा, आम आदमी का भाड़ा आना जाना सब महंगा हो गया, पेट्रोल सोचे पार हो गया, कोई सोचा नहीं था कभी। इसलिए मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से 17 तारीख तक ये धरना प्रदर्शन मोदी जी को एक ज्ञान दिलाने के लिए कि देश की जनता इसको किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी, और देश की जनता बर्बाद हो रही है। आप आबाद हो रहे हैं, पूरा पैसा कमा रहे हैं, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को आप कम करें तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के भाव कम हो जाए। ये हमारी ये विरोध प्रदर्शन है मोदी जी का ध्यान देना कि आप ये डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करो। अरे UPA के टाइम तो 380 का सिलेंडर आता था, आज 900 रुपये का हो गया। क्या सारे गैस सिलेंडर जिन्होंने कनेक्शन लिए थे उज्ज्वला में, उसमें 90% लोगों ने सिलेंडर वापस कर दिए, कोई गैस नहीं बना रहा है। देश में अपना तफरी का माहौल है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इसलिए हमने सब ने कांग्रेस ने पूरे देश में हर ब्लॉक लेवल पर ये निर्णय किया है कि इसका विरोध प्रदर्शन करके जनता को जागरूक किया जाए, और मोदी के शासन की जो है वो निश्चित रूप से पूरे देश आलोचना कर रहा है महंगाई के मुद्दे को, और हम भी आलोचना करते हैं कि महंगाई को कम करें।